हेलो ट्रेडर्स, तो ये जो वीडियो है वो एक टेक्निकल एनालिसिस की है कि आप किस तरह से एक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कल अपने ग्रुप में बताया था कि निफ्टी कल बियरिश होने वाला है। मैं दो साइडेड नहीं था, मुझे पता था कि निफ्टी आज बियरिश होगा, लेकिन अगर आज निफ्टी बुलिश हो जाता तो हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बियरिश ही था। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं कि जैसे आज उन्होंने सोचा होता है कि आज बियरिश जाएगा और ट्रेड बियरिश नहीं जा रहा होता और ट्रेंड बुलिश होता है, फिर भी वो उसमें ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट बियरिश था। लेकिन अगर आज जैसे मेरा ट्रेड कल से ही मेरा जो माइंडसेट था वो बियरिश की ओर था और अगर आज बियरिश नहीं होता तो मैं ट्रेड लेता ही नहीं, लेकिन आज बियरिश हुआ। हमारी क्या एनालिसिस थी वो हम शेयर करेंगे और हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स के जो मेंबर्स हैं उनकी भी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। मुझे अच्छा लगता है जब वो भी अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं और मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सारे ट्रेडर्स का माइंडसेट अलग होता है। चार्ट सब अगर आप 10 जनों को बिठा के एक ही चार्ट को एनालिसिस करवाएंगे तो वो 10 जने अलग अलग थॉट से उस चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो ये बिगनर्स के लिए है, और जो स्टूडेंट्स है या फिर जो स्टॉक मार्केट में नए ट्रेडर्स है तो एक चार्ट को किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन था मैं वो शेयर कर रहा हूँ। इस चार्ट को लेकर आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। तो चलिए अब चार्ट की ओर, क्या एनालिसिस था मेरा कल और आगे भी इसका एनालिसिस क्या रहता है, मैं वो इसी वीडियो में शेयर करता हूँ। तो ये अभी 1 डे की टाइम फ्रेम पे है, तो सबसे पहले मैं इसको 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे लाऊंगा जो मेरा एनालिसिस था कल का। अब ये चार्ट 30 मिनट पे आ गया है, तो सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे जो मैंने यहाँ से खींची थी, इस वाले से। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी मेरे एनालिसिस के हिसाब से, और इसने किया और ये ऊपर से, तो आप देख सकते हैं कि ये इसने पहले यहाँ टच किया फिर यहाँ टच किया, तो मुझे पता पड़ गया कि ये एयर रेंज में जाने वाला है। तो उस समय जब मैंने इसका एनालिसिस किया था पहले, तो मेरी ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं थी और मेरी ट्रेंड लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये, लेकिन जब इसने ये दोनों पॉइंट बनाए, एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तब मैंने ये ट्रेंड लाइन ऐसे खींची अभी 2-3 दिन पहले। तो जब इसने ये पॉइंट बनाया और ये पॉइंट बनाया, तब मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींची, क्योंकि मुझे पता था कि जब यहाँ पॉइंट बनाया और इसके बाद ये नीचे आ रहा था और यहाँ तक आ गया था, तो मुझे लगा कि मुझे ट्रेंड लाइन खींचनी चाहिए। तो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची यहाँ से इनको मिलाते हुए, लेकिन मैं एक बात ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स कि मैं बाई की तरफ यहाँ नहीं गया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तब तक काम नहीं आती ऐसे जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जाते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन तब तक काम नहीं आती है जब तक कि आपका जो दूसरा पॉइंट है वो नीचे ना आए। तो जब ये पॉइंट नीचे आया, इसने टच किया और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो मैं बुलिश था तो ये ऊपर की तरफ गया और अपना टारगेट जो था वो इसके बराबर था। और देखिए आप, जैसा कि आपको पता है ये इसी के बराबर आके इसने वहां पर पॉइंट बनाया। ठीक है ट्रेडर्स, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया था, क्योंकि इसने यहां से वापस रेजिस्टेंस को इसने ये जो रेजिस्टेंस था इसने इसका रेजिस्टेंस की तरफ फेस किया और इसने इसको नीचे आने के लिए तैयार था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक ट्रेंड लाइन आपके बहुत यूज आती है, तो उस ट्रेंड लाइन को मैंने काम में लेने के लिए जब ये इस पॉइंट पे आ गया ये वाला पॉइंट, तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची ये वाली। अब इसमें ये इसने एक यहाँ पर टच किया था, यहाँ पर टच किया, यहाँ टच किया और यहाँ टच किया। ठीक है ट्रेडर्स, तो जब इसने लास्ट बार यहाँ टच किया तो वो कल का दिन था 4 मार्च को, और
और जब 4 मार्च को इसने यहाँ टच किया, तो ये जो बीटीएसटी ट्रेड था, ये मैंने बीटीएसटी ट्रेड ले रखा था क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि इसने जो ये रेड कैंडल बनाई है इसके नीचे ही आएगा। अब हम इसके कंफर्मेशन के लिए चले जाते हैं कि इसने मैंने कंफर्म कैसे किया कि ये नीचे ही आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कंफर्म के लिए मैंने क्या किया। ये जो 30 मिनट्स था, क्यों तो अच्छा गैप डाउन भी मिला इसके बाद, क्योंकि यहाँ ट्रेड कल ही ले लिया था मैंने, क्योंकि ये जो ये ट्रेड लाइन वाला पैटर्न था ये बन रहा था। और ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में आगे, कि आप इसको यूज में कैसे ले सकते हैं। अब मैं एमएससीडी को एक इंडिकेटर लगाऊंगा जो हमको पता है कि कंफर्म करने के लिए मैं लगाता ही हूँ। तो पहले एमएससीडी, ये एमएससीडी को मैंने इंडिकेटर को प्लॉट किया, तो आप देख सकते हैं कि एमएससीडी का जो यहाँ पर क्रॉस ओवर था, ये क्रॉस ओवर यहीं पर ही था। और उसके बाद जब ये यहाँ एंड हो रहा था, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा था, तो यहाँ से ये देखिए ये नीचे की ओर आ रहा था। ये भी एमएससीडी का भी सिग्नल आ गया था कि नीचे की ओर जाएगा, तो इतने समय मेरे को पता नहीं था कि बेरिश जाएगा। तो उसके बाद मैंने एक और इंडिकेटर का यूज किया। सबसे पहले मैं इसमें ये चार्ट में ये बना देता हूँ वापस, ये तो ट्रेडर्स। अब मैं एक और इंडिकेटर लगाता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। आरएसआई ना, आरएसआई को प्लॉट किया, तो उसके बाद मुझे क्या दिखा मैं आपको बताता हूँ। ये जूम कर लेता हूँ, ये ट्रेड लाइन देखिए आप, ये 4 मार्च की है, ये ट्रेड लाइन थी जो हमें बता रही थी कि ये ट्रेड लाइन ऊपर की तरफ बन रही थी, यानी कि बुलिश सिग्नल के लिए। लेकिन जो ये आरएसआई था, ये दे रहा था हमको नीचे का इसी जगह, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस। तो चार्ट तो हमें बुलिश बता रहा था उस दिन पे, लेकिन आरएसआई हमको बेरिश दे बता रहा था, तो इसका मतलब था कि ये बेरिश की ओर जाने वाला है। तो मैं पूरी तरह से एमएससीडी से, आरएसआई से, और मेरा जो ये टेक्निकल एनालिसिस का जो ये रहता है उसके हिसाब से मैं कंफर्म था कि ये बेरिश ही होगा। और जब ये ट्रेड लाइन, मैंने यहाँ पर ट्रेड लाइन इसलिए नहीं खींची क्योंकि ये पहला पॉइंट ही था, ये दूसरा पॉइंट ही था। जब ये मैंने पहली ट्रेड लाइन यहाँ खींची हुई थी, और जब ये यहाँ पर नीचे, बिल्कुल नीचे ट्रेड लाइन को टच हुआ और इसने ब्रेकआउट दिया, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने यहाँ खरीदा था जो ये प्रॉफिट मिला, क्योंकि ये सपोर्ट था इसका पहले वाला, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। उसके बाद मैंने ट्रेड लाइन खींची यहाँ पर, यहाँ नीचे आने के बाद जब ये ऊपर टच हुआ था यहाँ पर, तो मैंने ट्रेड लाइन खींची, तो ये यहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट दिया था कि बियरिश होने वाला है मार्केट। और मैंने आरएसआई का डाइवर्जेंस भी बताया और एमएससीडी का भी बताया कि आपको एमएससीडी ने कैसे आपको कन्फर्म किया। और मैं उसके अलावा आपको एक और पॉइंट बताता हूँ कि कन्फर्म कैसे हुआ। ये ड्राइंग्स को मिटा देते हैं एक बार, ये आपको पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न आपको दिख रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा कि आगे क्या कर सकता है, ये और अभी ये यहां पर है, तो ये डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। ये नेकलाइन है, देखिए आप, जो मैंने वो ट्रेड लाइन खींची थी ट्रायंगल पैटर्न के लिए, उस पे ये नेकलाइन बन गई है, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, मैं आपको एक बताता हूँ ये आगे क्या कर सकता है। ये डबल टॉप बनाएगा तो हमको इसको यहाँ तक नीचे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डबल टॉप बना रहा है तो यहाँ तक तो इसको आना ही है, और नेकलाइन तोड़ता है तो यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन पहले हम इतना लंबा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक का देखेंगे। और मैं अब आपको इंडिकेटर प्लॉट करके भी बताता हूँ कि इंडिकेटर कैसे काम करेंगे इस जगह पर। तो मैं अभी लगाऊंगा ईएमए, ये मेरा अगली बार के लिए है, यानी कल के लिए और उसके लिए, दो ईएमए लगाई है मैंने। फर्स्ट है 50 की, सेकंड है 200 की, 30 के कैंडल पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने
50 को भी क्रॉस कर लिया और 200 को भी क्रॉस करके यहाँ रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट करने आया है, और एम पैटर्न यानी कि डबल टॉप पैटर्न भी ये बना रहा है। शायद ये एक दो दिन में या इन्हीं दिनों में ये यहाँ तक टच करेगा, और अगर इस नेकलाइन को भी क्रॉस करता है तो ये रिट्रेस करके नीचे तक आ सकता है, इस पॉइंट तक जहाँ इसका मेजर सपोर्ट है ये वाला। और फर्स्ट सपोर्ट जो इसका है जो कि ये वाला ये, तो यहां तक ये आ सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस थी, और अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि मैं कैसे ये एनालिसिस करता हूं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और पैटर्न वाली। जैसे कि आपने एक ट्रेड लाइन खींची, जैसे कि कोई स्टॉक है वो पहले यहां से शुरू होता है यहां जाता है, ठीक है, और यहाँ जाने के बाद रुकने के बाद वो नीचे आने की कोशिश करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर भी बना दीजिए ये, ठीक है। अब एक ट्रेड लाइन लीजिए, और जब ये जो स्टॉक है ये जब नीचे आता है बिल्कुल कैसे भी करके ऐसे करके यू करके यहाँ आता है इसके आसपास, तो आपको एक ट्रेड लाइन खींचनी है ये, और जब ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। और जब ये यहाँ जाने की कोशिश करता है और यहाँ आ जाता है तो आप एक और ट्रेड लाइन लीजिए और यहाँ से ट्रेड लाइन को खींचिए, और जब ये चार्ट यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा सेल कर सकते हैं यहाँ तक आने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि ये चार्ट है ये यहाँ तक आया, आपने इसमें ट्रेड लाइन खींच दी, ये आपने ट्रेड लाइन खींच दी यहाँ पर, और इस चार्ट ने थोड़ा और नीचे आ गया, ये चार्ट थोड़ा और नीचे आ गया यहाँ पर यूं, और यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया इसने, तो आपको इस जगह से बाय कभी भी नहीं करना है ट्रेड लाइन ब्रेक होने पे। आपको बाय करना है या तो ट्रेड लाइन ब्रेक होती है यहाँ से तो, और अगली जब आप ट्रेड लाइन बनाएंगे यहाँ से तो जब यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा इस एरिया से तब आपको एंटर करना है, सेलिंग करनी है। कभी भी यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और यहीं पर ही ब्रेक लाइन, तो आपको ये नहीं करना है कि सेल करना है ये नीचे आ जाएगा, आ भी सकता है लेकिन अपन को पूरा कंफर्म होना है, और कंफर्म होने के लिए आप इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, RSI, MACD और मूविंग एवरेज, ये तीन मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और ये वाली चीज जो लास्ट में मैंने बताई अगर समझ में आपको आई है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना दूंगा कि मैं इस चीज को कैसे यूज करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये एनालिसिस पसंद आई होगी। आप इस चीज को अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरी एनालिसिस थी कि मैंने इसको किस तरह से किया है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।